हेलो दोस्तों, मैं हूं सहदेव कुमार शर्मा, सक्सेस मंत्र एजुकेटर जलंधर पंजाब इंडिया से आपका मोटिवेशनल ट्रेनर। दोस्तों, सहदेव बी पॉड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पेरेंट्स के ऊपर। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चे नॉर्मल नहीं हैं। क्या हमने कोशिश की है कभी जानने के लिए कि हम नॉर्मल पेरेंट्स हैं या नहीं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पेरेंट्स कितने तरह के होते हैं। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। हर पेरेंट्स स्टाइल का मैं थोड़ा थोड़ा व्याख्यान करूंगा और लास्ट में वीडियो में आपको खुद जज करना है कि आप कैसे पेरेंट्स हैं। अगर आप इनमें से कोई भी तरह के पेरेंट्स हो तो आपको रेमेडीज की जरूरत है, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो मस्त भी रहें, स्वस्थ भी रहें और जिंदगी में डेवलप भी करें। आइए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली तरह के पेरेंट्स होते हैं ऐसे पेरेंट जिनको हम बोलते हैं प्रेशर पेरेंट्स। होता क्या है, ये लोग बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और यहाँ पर गलती हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, बहुत सारे हमारे सपने होते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते, तो हम क्या चाहते हैं कि वो सपने हमारी औलाद के थ्रू पूरे हों। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब बच्चा 10th और 12th वाला बच्चा बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं लेता है, क्योंकि उसके घर से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने IIT क्रैक करना है या आपने मेडिकल टेस्ट क्रैक करना है। तो पेरेंट्स बहुत सारा प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर, तो ऐसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। बच्चा भी स्ट्रेस फील करता है और अल्टीमेटली पेरेंट्स भी स्ट्रेस फील करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या आप प्रेशराइज्ड पेरेंट हैं? अगर हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है, ना कि बच्चों के लिए। तो प्लीज़ बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत रखिए। बच्चे एक परिंदे की तरह होते हैं, उनको अपने आसमान में उड़ने दीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर रखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बनना है, उन्होंने जो करना है वो अब करेंगे ही, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसके ऊपर चेक नहीं रखना है। थोड़ा सा चेक रखना है, परंतु प्रेशराइज्ड चेक नहीं रखना है। हमने प्रेशराइज्ड पेरेंट्स नहीं बनना है। दोस्तों, जो दूसरे तरह के पेरेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स वो होते हैं जो हर समय बच्चे के आसपास मंडराते रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चा 2 मिनट के लिए भी अपने कमरे में है, उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो ये लोग जाके फटाफट दरवाज़ा खोल देते हैं। तू कर क्या रहा है, तू कितने बजे सो रहा है, तू कितने बजे उठ रहा है, कितना तेरा सिलेबस हुआ। हर 5-7 मिनट के बाद में बच्चे को डिस्टर्बेंस होती है और बच्चे से बार बार फीडबैक ली जाती है कि वो क्या क्या कर रहा है। उसके होमवर्क चेक किए जाते हैं, उसकी असाइनमेंट्स चेक की जाती हैं। चेक करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु हेलीकॉप्टर की तरह हर वक्त उनके ऊपर मंडराते रहना, ये कोई बहुत अच्छा पेरेंटिंग साइन नहीं है। जब बच्चा 18 साल के आसपास हो जाता है, या कहिए तो जनरली बच्चा 10th और 12th का बच्चा अगर हो जाता है, तो बच्चे में इतनी सेंसेस डेवलप हो जाती हैं कि वो थोड़ा सा अपना कैरियर ओरिएंटेड बच्चा हो जाता है। वो उसके बारे में सोचने की इच्छा रखता है और वो थोड़ा सा समय वो अकेले भी रहना चाहता है, ताकि वो अपनी पर्सनलाइज प्लानिंग अपनी पूरी कर सके। अगर हम हेलीकॉप्टर की तरह उसके ऊपर हर वक्त मंडराते रहेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, तो इसके रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने वाले नहीं हैं। तो क्या आप हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं क्या? दोस्तों, आइए अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी के पेरेंट्स को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेरेंट्स हैं। ये पेरेंट्स कैसे होते हैं, ये हर वक्त हर रोज नए नए रूल बनाते हैं। तू इतने बजे उठेगा, तू इतने बजे सोएगा, तू इतने बजे खेलेगा, तू इतने बजे मोबाइल यूज करेगा। बच्चे को एक खुद का टाइम टेबल देते हैं। तो दोस्तों, टाइम टेबल बच्चे का होना चाहिए, ना कि आपका होना चाहिए। आप अपने रूल्स बनाए एकदम से ब्रेक करते हैं और फिर नए रूल बनाते हैं। उससे क्या है कि बच्चा भी समझ नहीं पाता कि अल्टीमेटली आप उनसे चाहते क्या हैं। तो अगर आपने रूल बनाने हैं तो अच्छी बात है, आप रूल बनाइए, परंतु उन रूल के ऊपर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी तो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा। अदरवाइज बच्चे को पता चल जाता है कि ऐसे रूल्स तो रोज बनते हैं और रोज खुद ही टूट जाते हैं, तो इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। तो हमें इनकंसिस्टेंट पेरेंट्स नहीं बनना है। दोस्तों, जो चौथी तरह के पेरेंट्स होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग पेरेंट्स होते हैं। वो सीधी सी बात बोलते हैं कि डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ का मतलब क्या होता है, भाई तुमने जो करना है करो। ना तो वो बच्चे की होमवर्क चेक करते हैं, ना बच्चे का टाइम टेबल चेक करते हैं, ना वो बच्चे की फीस देने जाते हैं, ना ही वो पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि अपनी जिंदगी में मस्त रहें, बच्चा जो करता है करता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ी सी जो पेरेंटिंग है वो थोड़ी सी गलत हो जाती है। मैं ये नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर प्रेशर हो या बहुत सारे चेक्स हों, परंतु बच्चे को इतना भी खुला नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपने डिसीजन लेता रहे।
अगर बच्चा हमारा 10th का है वो 11th में खुद ही स्कूल चूज कर रहा है और खुद ही अपने सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, जब उसको हमारी जरूरत है तब हम उसको कुछ भी नहीं कहते, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, खाते पीते और रिलैक्स रहते हैं, बच्चे से कभी बात नहीं करते, तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं वो भी गलत हैं। बच्चे के साथ में थोड़ी सी बात और घुल मिल के रहना पड़ेगा और बच्चों का जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो आपको लगातार मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, तभी तो हम बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे और एक गुड पेरेंट बनने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो 5th कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स होती है वो होती है इमोशनली निगलेक्टेड पेरेंट्स, मतलब बच्चे का इमोशनली कोई भी कनेक्ट नहीं है पेरेंट्स के साथ में। अगर बच्चा एक कमरे में बैठता है तो पेरेंट्स दूसरे कमरे में बैठ जाते हैं, अगर पेरेंट्स उस कमरे में आता है तो बच्चा खुद ही बाहर निकल जाता है, फादर घर आता है तो बच्चा बाहर निकल जाता है, अगर बच्चा घर आता है तो फादर उससे कोई बात नहीं करता, वो अपनी न्यूज़ में मस्त है, अपने खाने पीने में मस्त है। दोस्तों पेरेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने बच्चे को खाना पीना और स्कूल की फीस दे देनी, जी नहीं, ये पेरेंटिंग नहीं है। अगर आप इतना निगलेक्टिव बिहेवियर रखेंगे बच्चे के प्रति तो फिर अगर बच्चा खराब हो जाता है तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। आजकल के ज़माने में बहुत सारी बातें बच्चा जो घर में नहीं करता तो अपने दोस्तों से करता है। अब समझिए इस बात को कि उसके दोस्त कौन है, उसके दोस्त उसी एज ग्रुप में हैं और बहुत सारे कुछ लोग अमीर भी होते हैं बच्चे, कुछ गरीब भी होते हैं, तो बच्चा ऐसी संगति में पड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं पीयर प्रेशर, तो वो पीयर प्रेशर में इतना ज़्यादा रहता है कि अपनी सारी बातें जो उसको पर्सनली भी करनी चाहिए या उसको अपने करियर के लिए करनी चाहिए वो बच्चा अपने दोस्तों से डिस्कस करता है जिनका मेंटल और एजुकेशन लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो बच्चे को सही गाइडेंस नहीं हो पाती। तो हमें निगलेक्टेड पेरेंट्स नहीं बनना है। अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो हमें उस बच्चे की बात सुननी है, अगर बच्चा कुछ कैरियर प्लानिंग हमारे साथ करना चाहता है तो एटलीस्ट हम उसकी बात तो सुने, उसके सेंटीमेंट्स तो देखें, उसके इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें कि वो किस साइड में जाना चाहता है। अगर हम उसके साथ में बैठेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे तो बच्चा प्रोग्रेस जिंदगी में कैसे करेगा। ये मत भूलिए कि आफ्टर ऑल बच्चा तो बच्चा ही है, वो इतना मैच्योर नहीं है जितने हम हैं, तो यहाँ पे पेरेंटिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उस कैटेगरी में क्या है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो बच्चे को पेरेंट्स बना देते हैं। तो पेरेंट्स बच्चे को पेरेंट्स कैसे बना देते हैं, आइए एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ। एक बार मैं होम्योपैथी की मेडिसिन की दुकान पे गया तो वहां पे मैंने देखा एक हार्डली 7-8 साल 10 साल का बच्चा होगा जिसके हाथ में 1000 रुपीज था और एक पर्ची थी और उसमें लिखा होता भी डॉक्टर साहब से ये दवाई लेके आ जाओ। और वो बच्चा साइकिल पे आया था और हार्डली 3-4 किलोमीटर दूर से वो आया होगा, तो उसने अपने पैसे भी लिए, जितने पैसे वापस थे उस बच्चे ने काउंट भी किए और अपनी दवाई को अच्छे से पॉलिथीन में बांधा और साइकिल के साथ में बांध के वो चला गया। तो मुझे लगा यार ये सिर्फ 10 साल का बच्चा है, इसको क्या पता भी मार्केट में क्या लाना है कैसे लाना है। तो ये भी हमारी रॉन्ग परसेप्शन है। अगर बच्चा हमारा एक्टिवा चलाना सीख जाता है या कार चलाना सीख जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी ड्यूटी है, अगर दाल पानी हमने लाना है, अगर सब्जी हमने लानी है या हमने किसी को पेमेंट देनी है तो हम अपनी सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर लाद देते हैं, उसको उसका जो बचपन है उसमें हम उससे ज़्यादा ओवर मैच्योर कर देते हैं। मतलब वो हमारे लिए बच्चा नहीं रहा, वो हमारे लिए एक पेरेंट्स बन गया है, वो हमारी तरह ही एक रेप्लिका बन गया है, जो काम हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास में ऐसी सोच होती है तो डेफिनेटली जो हमारी पेरेंटिंग गलत है, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि बच्चा तो आफ्टर ऑल बच्चा ही है, अगर कल को नुकसान हो जाता है, आपका फिजिकल नुकसान हो जाता है या आपका बच्चा अंडर एज है, वो एक्टिवा चलाता है, भगवान ना करे कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जो खामियाजा वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों बच्चे को बच्चे की एज के हिसाब से ही काम दीजिए जहाँ तक हो सके पॉसिबल है। हाँ कोई भी बीमार हो या कुछ और इश्यूज हैं तो आप उसके हेल्प ले सकते हो, परंतु अपनी सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर डाल देना। अब वो स्कूल में पढ़ के भी आए और आते हुए सब्जी भी लेके आए तो ये उसकी ड्यूटी नहीं है सब्जी लाना, ये मेरी ड्यूटी थी, मैं पेरेंट्स हूँ तो ये काम मुझे करना चाहिए था। ठीक है अगर 29 दिन मैं काम करता हूँ तो एक दिन बच्चे से हेल्प ले सकता हूँ, तो हमने अपने बच्चों को बच्चे ही रखना है, उनको पेरेंट्स बनाने की कोशिश नहीं करनी है। ये भी एक रॉन्ग साइड ऑफ पेरेंटिंग है। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स है ये सबसे खतरनाक पेरेंटिंग है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल पेरेंटिंग। मतलब हम बच्चे के आगे कंडीशंस रखते हैं। एक मेरे नोन में कोई केस है, उसमें ऐसा आ गया कि बच्चे को ये बोला जाता है हर साल भी अगर तू पास हो जाएगा तो हम तुमको ये ले देंगे, अगर यो भी इतने परसेंटेज आएगी तो हम तुमको ये ले देंगे। तो बच्चे का जो ध्यान है ठीक है वो परसेंटेज के ऊपर रहेगा या वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, परंतु हर बार वो चीज़ों को एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल पेरेंटिंग। अपनी ओर से तो हम सोचते हैं कि बच्चे को हमने थोड़ा सा लालच दे दिया,
परंतु जब बच्चे की डिमांड्स बढ़ने लगेंगी या बच्चा हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करने लगेगा आपसे, तो मुश्किल में और कोई नहीं आएगा, आप ही आओगे। तो हम कंडीशनल पेरेंटिंग क्यों करते हैं? हम बच्चे को ये समझाएंगे अगर आपने 10th में या 12th में आपने 80% मार्क्स लेने हैं तो वो बच्चे के खुद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना कि उनको कंडीशनल करने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा सा आप लालच दे सकते हो भी हम घुमा फिरा देंगे, कोई छोटी मोटी चीज़ ले देंगे, परंतु मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो वेल टू डू पेरेंट्स हैं, वो सीधा सीधा बोल देते हैं अगर आप 9th में अगर आप पास हो गए तो आपको बुलेट ले दूंगा, 10th में पास हो गए आपको गोल्ड चेन मिल जाएगी, 11th में पास हो गए तो आपको आईफोन ले दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी जो पेरेंटिंग है, मैं सॉरी टू से मैं ऐसा शब्द नहीं यूज़ करना चाहता था इस वीडियो में, तो ये बहुत ही घटिया किस्म की जो पेरेंटिंग है। हम सोचते हैं कि बच्चे को हम लालच दे देंगे और बच्चा पढ़ लेगा, तो बच्चे का जो कंडीशनल ऑफ द माइंड है, जिसका जो उनका मेंटल सेटअप है, वो थोड़ा सा रॉन्ग मैसेज ले जाएगा कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये बोलेगा। तो दोस्तों, ये तो एक जानवर की मन सकता है कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, अगर ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। ऐसी पेरेंटिंग हमने नहीं सिखानी है, ना ही हमने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक जेन्युइन बच्चा है, वो एक जेन्युइन स्कोर अगर वो ले लेता है तो ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको छोटी मोटी पार्टी दीजिए, परंतु कंडीशनल पेरेंटिंग करने की कोशिश मत करना, वरना नुकसान आपका भी होगा और साथ साथ में बच्चे का भी होगा। अगली जो मैं बात करने जा रहा हूँ पेरेंटिंग स्टाइल, वो है कंपैरेटिव पेरेंटिंग। अब कंपैरेटिव पेरेंटिंग क्या होता है? कंपैरेटिव पेरेंटिंग में ये होता है कि हम एज ए पेरेंट्स, हम जो हमारे रिश्तेदार हैं या जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, अपने बच्चे की परफॉर्मेंस हम उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं। ये एक जेन्युइन सी साइकोलॉजी है, मेरी भी है, आपकी है और हमारी सबकी है। अगर हमारे आसपास का बच्चा कोई सक्सेसफुल हो जाता है, कहीं IIT में निकल जाता है या कोई फॉरेन कंट्री में चले जाता है या कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर देता है या वो गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता है या वो ओलंपियड में कुछ स्कोर ले आता है, तो हम लोग क्या है, अपने बच्चे को बार बार सुनाते रहते हैं कि देख उसने क्या कर दिया, आपने खुद नहीं किया। और रिलेटिव्स में तो ये अक्सर होता है, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में। अगर हमारे रिश्तेदार का एक बच्चा कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग में निकल जाता है तो हम अपने बच्चे का पूरा गला दबा देते हैं कि अगर वो मेडिकल कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसी पेरेंटिंग में हम लोग भूल जाते हैं कि हर इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है वो एक यूनिक है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी थॉट्स हैं, उसका अपना मेंटल लेवल है, उसकी अपनी परसेप्शन है, उसकी अपनी डिमांड्स हैं, उसकी अपनी डिज़ायर्स हैं। तो हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? द वे जिस वे में हम लोग पेरेंटिंग अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या हम दूसरे पेरेंट्स की तरह हम उनको कंपेयर करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। तो अगर हम पेरेंट से कंपेयर नहीं कर रहे, अगर मैं अपने बच्चे को कार लेके देता हूँ तो मेरे साथ वाला जो इंसान है वो उससे भी बड़ी कार उसको लेके देता है, तो हम वहाँ पे तो कंपेयर करते नहीं। तो फिर हम बच्चे की परफॉर्मेंस से क्यों कंपेयर करें? आपका बच्चा जैसा भी है, आपने उसको गुड संस्कार देने हैं, आप उसकी जो वैल्यूज़ है वो आपने अच्छी पुट करनी है और उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी है, ना कि अच्छा मैनेजर, ना कि अच्छा इंजीनियर। अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आपका बच्चा भी खुश रहेगा। आगे से अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ में कंपेयर करना बंद कर दें, उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चे के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। अब ये लास्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, ये कोई स्टाइल नहीं है। इसमें मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिंपल से पेरेंट्स बनिए। जितने भी मैंने ऊपर 8 टाइप ऑफ पेरेंटिंग जो मैंने डिस्कस की हैं, वो किसी भी चीज़ की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्ड एंड फास्टिंग नहीं है। ना तो हम लोग प्रोफेशनली पेरेंट्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बच्चे हो गए हैं तो हम पेरेंट्स बन गए हैं, ना हमने कहीं पेरेंट्स की कोचिंग ली है, ना ही हमने शायद कहीं पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं या बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। हम लोग एक नॉर्मल से इंसान हैं, तो नॉर्मल से पेरेंट्स बनिए। बच्चे को प्यार करिए, 10 मिनट उसके लिए निकालिए, जो बच्चा कहना चाहता है, जो पूछना चाहता है उसको पूछने दीजिए, जो वो कहना चाहता है उसको सुनिए। जो हम बेस्ट कर सकते हैं बच्चे के लिए, जितने बेस्ट रिसोर्सेज हम दे सकते हैं बच्चे को उतने ही दीजिए। लग्जरी नहीं देना है, जो एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं वो देना है। उनको किताबें लेके दीजिए, बाइक की ज़रूरत है तो उसको बाइक लेके दीजिए, अच्छे कॉलेज के लिए अच्छी फीस चाहिए तो वो अरेंज करिए, वो है गुड पेरेंटिंग। और बाकी जो जितनी फालतू मैंने आइटम आपको स्टाइल्स बताई हैं उन सबसे हम थोड़ा सा बच के रहें। तो आगे से थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पास नॉर्मल पेर अगर बच्चे हैं तो क्या हम नॉर्मल पेरेंट्स हैं?
ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो के बाद में खुद सुनना है और खुद जजमेंट करनी है कि आप अच्छे पेरेंट्स हैं, क्या हम अच्छे पेरेंट कहलाने लायक हैं, क्या हमारे में अच्छे पेरेंट्स के सारे गुण हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो आइडियल हो, परफेक्ट हो। तो अगर पेरेंट्स की बात करें तो हम क्या आइडियल पेरेंट्स हैं? अगर मैं खुद दिन भर टीवी देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा टीवी ना देखे, ऐसा होगा क्या? अगर मैं दिन भर पबजी खेलता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पबजी ना खेले, ऐसा होगा क्या? अगर मैं खुद रात को 12-1 बजे तक व्हाट्सअप फेसबुक पर रहता हूँ और मेरा बच्चा ना रहे, ऐसा होगा क्या? सोचिएगा जरूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेगा। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।